मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। तुम्हारे आई बाबा मान गए और मेरे आजी आजोबा ने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया। आई कॉन्ट बिलीव इट नरेन। तुम्हें पता है पिया कह रही थी कि कल से मेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। अच्छा तो एक काम करो, एक फोटो सेंड कर दो, मैं भी देख के बताता हूँ। नहीं अब, अच्छा नरेन कोई आया, मैं बाद में करती हूँ। अरे वन सेक यार, दिस इज नॉट फेयर। हमारी शादी होने वाली है, उनको बोलो कि हमें प्राइवेसी की जरूरत है, वी नीड टू टॉक। नरेन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं करती हूँ, आई विल कॉल यू बैक, प्रॉमिस। बाय। परी बिजी हो? नहीं तो परी कुछ बात करनी थी। आज इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? आना। श्री जी और विशाली जी आए थे तेरा हाथ मांगने नरेन के लिए। वो चाहते हैं कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैंने और मानव ने भी बहुत सोचा और हमें लगता है कि यही सही है। अब तू बता कि तेरी मर्जी क्या है, तू नरेन से शादी करना चाहती है? परी मुझे पता है बेटा कि तूने और नरेन ने अपनी जिंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त साथ निकाला है, लेकिन आज जो नरेन की हालत है, जो वो है, जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। आजी मैं जानती हूँ तो क्या कहना चाहती है, लेकिन मेरी लाइफ में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ जी, अंकित और नरेन की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट था जो ख़त्म हो चुका है, और नरेन के दिल में मेरे अलावा कभी कोई था ही नहीं। अंकिता को भी वो आहाना ही समझता था, तो मैं किस वजह से ना कहूँ? हाँ जी, नरेन मुझसे बहुत प्यार करता है। सही है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, और मुझे विश्वास है कि वो तुझे बहुत खुश रखेगा। थैंक यू आजी। तूने आज तक मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया है, और आज भी तू मेरे साथ ही खड़ी है। पता है मुझे पूरा यकीन है, जब तक तू मेरे साथ है, तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो मेरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ताई तू चाहे जो भी कह ले, मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे अब भी यही लगता है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, नरेन जीजू का ही है। लेकिन फिर तू इस सच्चाई से क्यों भाग रही है, क्यों इनकार कर रही है? हाँ शायद एक वजह हो सकती है कि तुझे लगता है कि जीजू की खुशी परी से शादी करने में है। शायद इसी वजह से तू अपना प्यार सैक्रिफाइस करने पर तुली है। लेकिन ताई माँ होना कितना बड़ा एहसास होता है, और तू उस एहसास को भी, पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी है तू, कैसे ये सब कर लेती है। मान जी क्या सोच रही हो? हाँ इधर आओ, दूध लेकर आओ, जल्दी से पी लो और सो जाओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों? कोई प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं हुआ। किसी भी चीज को अपने दिल में रखना, ऐसे सोचना, इतना स्ट्रेस लेना हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज खुल के बताओ क्या हुआ। शशांक मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बात आपको कैसे बताऊं? शशांक का प्रॉमिस कीजिए आप कभी ये बात किसी को नहीं कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी ये बात? बात ताई से रिलेटेड है। इनफैक्ट वो तो मुझे भी नहीं बता रही थी, पता नहीं क्यों सबसे छुपाना चाहती है। वो तो मुझे अचानक पता चल गया, वरना शशांक आप उसको कभी मत बताना कि मैंने आपसे बात शेयर की। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। बताओ हुआ क्या है? ताई प्रेग्नेंट है। मनु तुम्हें ये? शशांक मैं सच बोल रही हूँ, ताई प्रेग्नेंट है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी रिपोर्ट्स देखी है। किसी को नहीं बता रही है, पता नहीं क्यों सबसे झूठ बोल रही है। और आप जानते हैं कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने क्या कहा? कि बच्चा नरेन जीजू का नहीं है। क्या? हाँ मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, वरना ताई ऐसे झूठ क्यों बोलेगी?
और शशांक अगर नरेन जीजू का बच्चा नहीं है तो बच्चा किसका है? हमें पता होना चाहिए ना, उसने बताने से मुझे साफ इनकार कर दिया। मान जी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अंकिता नहीं चाहती कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें। शशांक, लेकिन मैं उसकी बहन हूँ। पर फिर भी देखो, ये उसकी जिंदगी है, हर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ राज होते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो हर किसी से शेयर करे। जरूरी है शशांक, अगर मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी? फिर भी वो नहीं चाहती कि हम उसमें इन्वॉल्व हों। शशांक, मानसी समझने की कोशिश करो, अंकिता बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, हमें उसकी फीलिंग्स रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शशांक, मैं जानती हूँ, लेकिन ताई ये सिर्फ जीजू के लिए कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जीजू परी से प्यार करते हैं, पर वो एक बार जाकर उनको बताएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर। और अगर वो नहीं बता सकती है तो मैं जाकर। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करो, तुम नरेन से कुछ भी नहीं कहो, ये बहुत बड़ी बात है, जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही बदनामी होगी। शशांक, आप बदनामी की बात, मैंने कहा ना एक बार, उसको नहीं बताना है तो ना बताए, लेकिन हम इसमें नहीं पड़ेंगे, एंड दैट्स फाइनल, ओके? ताई, ये ले, दूध पीकर ऑफिस जा। मानसी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे लेट हो रहा है। ताई, दो मिनट में कुछ लेट नहीं होगा तुझे, हम सबका इतना ख्याल रखती है, अगर हम तेरा रख लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मानसी, मुझे नाराज है। नहीं, तूने मुझसे इतना क्लियरली बोल दिया कि मैं तुझसे कुछ ना पूछूं, कुछ ना जानूं, तो मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है मानसी, देख, अरे अर्चना जी, आप नमस्ते, आइए ना अंदर। मानसी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे अभी अभी शशांक मिला था और उसने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली, बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे पता है कि इतने दिनों से हम लोगों के घर के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही, लेकिन मुझे जैसे ही खबर मिली मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। एक वक्त था जब मैंने तुम लोगों से रिश्ता जोड़ा और आज भी मैं उस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, इसलिए मानसी तेरे लिए ये माता के मंदिर से धागा लेके आई, तू प्लीज इसे बांध ले, ये तेरे और तेरे बच्चे की रक्षा करेगा, ठीक है? आजी, मुझे एक और धागा मिल सकता है क्या? क्यों, एक और क्यों? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, वो भी प्रेग्नेंट है, तो मुझे लगा उसके लिए भी ले लेती हूँ। मैं तुझे ला दूंगी, ठीक है? चल, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए आजी, मुंह तो मीठा करके जाइए। मानसी, कभी और आऊंगी बेटा, अभी मंदिर से आई हूँ, घर पे बहुत सारा काम है, तो बाद में मिलती हूँ। अपना हाथ दे। बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे कि तू मुझे सच्चाई नहीं बता रही है, लेकिन अपनी नाराजगी मैं तेरे बच्चे पर नहीं उतारूंगी, क्योंकि फिक्र है मुझे उसकी, ये बात तुझे समझ आए या ना आए। ताई, क्या हो गया है तुझे? ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरी जो तू मुझे भी नहीं बता सकती? नरेन जीजू तो इस बच्चे के पिता है, कम से कम मानसी, इस बच्चे की माँ मैं हूँ, इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक और किसी का नहीं। तो मुझे लगता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जहां हम कस्टमर्स को इतनी सारी फैसिलिटी हैंडसेट में। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? नरेंद्र, मुझे लगा कि आप कुछ और सोच रहे थे। Actually, you're right. बाहर शादी की प्रेपरेशन चल रही है एंड मॉम इज शी इज हैंडलिंग इट अलोन, और मेरे दिमाग में भी बट मैं तुम्हें सुन रहा था, वो तुम हैंडसेट की बात कर रही थी ना, वो जो तुम फैसिलिटीज दे रहे थे उसके अंदर।
एक्चुअली मेरा ना ऑफिस जाने का मन ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। आई डोंट नो, प्रायोरिटीज जस्ट चेंज ना। देखा तुमने, किसी से प्यार हो जाता है और उससे शादी होने वाली होती है तो एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट। देखना तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, जब किसी से प्यार हो जाएगा ना सब कुछ भूल जाओगी, काम, लोग, दोस्त, सिर्फ वो एक इंसान याद रहेगा। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वर्क। आई नो शादी का टाइम है एंड आई एम लिटिल एक्साइटेड आल्सो, नर्वस आल्सो, और आना के बारे में सोचे जा रहा हूँ, बट वर्क इज इम्पोर्टेंट, हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। बताओ। आप एक काम कीजिए, आप शादी की तैयारियां कर लीजिए, जब आपको टाइम मिलेगा तब हम काम कर लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम हो तो फिर भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर तुम नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो मैं थोड़ा बहुत भी काम कर पाऊंगा। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब। नो नो, टेल मी मॉम। नरेन, ये कुछ शादी के कार्ड के सैंपल है, हैव अ लुक। देखो। हाँ, सभी अच्छे हैं मॉम, सिलेक्ट एनी जो आपको अच्छा लगे। नरेन, शादी तुम्हारी है ना, तुम्हें पसंद करना होगा, कम ऑन, हैव अ लुक। ओके वेट, ये लो। ओके, या 4, 5, 6। या मुझे एक पसंद आ गया। ओके, मैं बताऊंगा नहीं। अंकिता तुम बताओ, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? लेट्स डू अ पोल ना, और अगर दो लोगों को एक ही कार्ड पसंद आया तो वी विल फाइनलाइज दैट। बताओ कौन सा अच्छा है, बोलो, पिक एनी। ओके नरेन सर, मैम। अरे जब वो कह रहा है तो बता दो ना। हाँ, कोई भी, पिक वन। थर्ड वन। मॉम, वी आर फाइनलाइजिंग दिस। मुझे भी एग्जैक्टली यही पसंद था। I mean, सब अच्छे हैं, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट, सो वी विल गो विद दिस। ओके, राइट, सो दिस इज डन। थैंक यू, थैंक यू। राइट, वी विल कॉन्सेंट्रेट नाउ, टेल मी। क्या हुआ अंकिता, यू ओके? हाँ बताओ उस हैंडसेट के बारे में। मैम आपने बताया नहीं वो मेन्यू के बारे में। मैं नरेन से पूछ के बताती हूँ तुमको। राम सिंह, मुझे इसके बाद में बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, कि मेरा बहुत सर दुख रहा है, कुछ भी नहीं पूछोगे तुम मुझसे अब, बहुत राम सिंह, आप जाइए। जी अच्छा। मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सर्वेंट्स है ना, दे विल डू ऑल द वर्क। आई नो नरेन, काम तो सर्वेंट ही करेगा, लेकिन सुपरवाइज तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। यू नो कितना काम है और टाइम बिल्कुल नहीं है, बट डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। तुम बस अपने ऑफिस में ध्यान दो। ओके, ऑफ कोर्स ऑफिस का काम मैं हैंडल कर लूंगा। Again, you know what? You can't do this alone. You'll need help. Narek, you can't help me. तुम अपनी तैयारी पे ध्यान दो। तुम्हारे शादी के कपड़े, your shoes, watches, सब की shopping रहती है। My God, I had to call the caterer. मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह से। 10 caterers के फोन आ चुके हैं ऑर्डर के लिए। Everybody wants to be a part of this marriage. जितने ज़्यादा options, उतना ही confusion. I'm going mad. Mom, I love you. I love you, and I can't let you do this alone. आप बहुत stress हो रही हो। Ankita. One sec. तुम प्लीज मॉम को हेल्प करोगी? प्लीज, आई नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, लेकिन अ वन टाइम फेवर फॉर माय मॉम, प्लीज। यस सर, श्योर। इज शी फाइन? या। थैंक यू। एक काम कीजिएगा, आपका जो मेन्यू है वो मुझे मेल कर दीजिए, और उसके साथ जो जो प्राइजेस है वो भी कोट कर दीजिएगा प्लीज। तुम क्या कर रही हो? ये कोई छोटी मोटी शादी नहीं है, कर मार्कर और देशमुख की शादी। ओके, ये प्राइस वाइज पूछना बंद करो, जस्ट गेट द बेस्ट। ओके, बट यू डूइंग अ गुड जॉब। हेलो मॉम, आई टोल्ड यू शी इज गुड। या अंकिता, आई होप तुम कंफर्टेबल हो करने में। मॉम, मैं सोच रहा हूं आना के लिए एक सॉलिटेयर, व्हाटएवर दैट कैरेक्टर इज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आईडिया, यू हेल्प मी आउट। हाय नरेन। हेलो, स्पीक ऑफ द डेविल। मतलब ये कि हम अभी हमारी शादी की बातें कर रहे हैं। या मनाची
हेलो, मैं करमरकर हाउस से बोल रही हूँ। मुझे एक्चुअली केटरिंग के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। आप प्लीज अपना मेन्यू मेल कर दीजिए। कैसी हो? मुझे प्लीज मेन्यू मेल कर दीजिएगा। थैंक। कैसी हो किता? यहाँ तरीन की शादी की तैयारियां हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नरेन सर का एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रही थी, वही डिस्कस करने आई थी, तो शादी की बात निकली तो मैं यही सब कर रही थी। एक सेकेंड ना। हेलो, मैं करमरकर हाउस से बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे केक ऑर्डर करना था और उस पर लिखा होना चाहिए बेस्ट विशेस टू नरेन सर एंड परी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ कह रहे थे तुम? क्या कहो तुम? अपने पति की शादी की तैयारियां कर रही हो तुम? अंकिता, नरेन तुम्हारा पति है, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? कर सकती, इसी में उनकी भलाई है, इसी में उनकी खुशी है, तो क्यों नहीं कर सकती? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भगवान करे मेरी तरह कोई और हो भी ना। यस मिस्टर राजेश, मैंने अब तक मेल चेक किया नहीं है। हाँ, द थर्ड मॉडल, राइट, जो जिसके ऊपर कोई बटन नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं अभी आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, मिस्टर राजेश का फ़ोन आ गया है, ही इज़ अप्रूव्ड द थर्ड मॉडल। आई थिंक हम सप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन थे, मिस्टर पटेल, उनका क्या फीडबैक है? सर, उन्होंने कहा है कि पहले वो सप्लायर्स के रेट्स चेक करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। तो सप्लायर से बात करो ना, वो दिलीप क्या कह रहा था, वो उसका फीडबैक ले लो, मार्केट में क्या करता है, एग्जैक्टली कैसा है। आई हर्ड इज गुड, सो प्लीज जस्ट टैप हिम ना। नरेन, हम शॉपिंग जाने वाले थे ना? हाँ ना, चल रहे हैं शॉपिंग। सी, आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी लेफ्ट फॉर द लास्ट डे। मैं शादी वाले दिन कोई टेंशन नहीं चाहता, इसलिए आई विल जस्ट फिनिश एवरीथिंग जल्दी से ना। काम से शादी कर लो ना। नरेन, तुम समझ नहीं रहे हो, आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। इट विल बी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अंकिता, एक काम करो, वो जो मिस्टर दिलीप है, ही इज़ अ गुड सप्लायर, अच्छा फीडबैक है, लेकिन वी शुड डू अ होमवर्क, पता लगाओ एग्जैक्टली प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, तो सप्लाई उन्हीं को दे देते हैं और कल मीटिंग फिक्स कर दो। नरेन, दो मिनट, आई विल बी डन। ओके, वी लीव नाउ, हम चल रहे हैं अभी, ठीक है? मैं इसका प्रिंटआउट ले लेता हूँ, गाड़ी में पढ़ लेंगे एंड वी विल रिप्लाई देन। ओके, अंकिता तुम साथ चल रही हो, चलो। शॉप अच्छी लग रही है। एक्सक्यूज मी मैम, बैक प्लीज। यस सर। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे को फटाफट दे दो। यस सर। साड़ी दिखाना कोई लेटेस्ट, प्लीज। प्लीज सर बैठिए। हाँ, अच्छा, वो उसको पूरा नॉर्थ इंडिया का सप्लाई देते हैं, व्हाट आई थिंक इज दैट ही इज हैंडलिंग राजस्थान दिल्ली साइड। हैप्पी? या आ रहे हो, मैंने बोल दिया उसको। अच्छा, ही इज गेटिंग सम गुड लेटेस्ट कलेक्शन साड़ीज। फाइनली शादी शॉपिंग। मैम, ये हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है। ये लेटेस्ट कलेक्शन, व्हाट आर दीस कलर्स? आई एम सॉरी, मुझे एक भी पसंद नहीं है, प्लीज कुछ और दिखाइए। लेकिन मैम को ये कलर सूट करेंगे, आप एक बार ट्राई तो कीजिए ना मैम। नहीं नहीं, ये इनके लिए नहीं है, ये ना अरे व्हाट हैपेंड? तुमको नहीं पता था यार, इज दिस अ सेल्समैन यार। She ek
आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। अभी तुमने मेरी चॉइस देखी कहाँ है? मतलब इसको इधर रखो, आओ तुम्हें अपनी चॉइस दिखाता हूँ। आओ सर, क्या कर रहे हैं? आओ तो सही, आओ बैठो बैठो। सर क्या कर रहे हैं? ये है मेरी चॉइस।